और ये देखिए जनाब, मेरा करेले गोश्त का सालन हो गया तैयार। बस थोड़ी सी भुनाई करनी थी मैंने, वो बस आसान की वजह से जो ना चूल्हा जल्दी बंद कर दिया था, तो अभी मज़ीद थोड़ी सी भुनाई होगी और उसके बाद हमारा मज़ेदार सा करेले गोश्त का सालन हो जाएगा तैयार। जी हाँ, उसका भुनाई कर लूँ और उसका मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी कल रात में बना रही थी मैं करेले गोश्त और ये सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैंने अपने लिए और अहसान के लिए पराठा बना लिए और साथ में मैंने करेले गोश्त को अच्छा सा गर्म कर लिया। और आज के दिन मैं हंडिया नहीं बनाऊंगी क्योंकि सालन काफ़ी ज़्यादा रखा होता है। आपको पता है हम लोग दो हैं, ठीक है, अगर मैं कम से कम भी क्वांटिटी रखूँ ना खाने की, फिर भी वो माशाल्लाह से उसमें बरकत हो जाती है और वो बच जाता है। फिर नेक्स्ट डे तो मुझे छुट्टी ही करना पड़ती है कि मैं कुछ बनाऊँ या ना बनाऊँ। सो अभी जो है वो आज के दिन भी यही चलेगा, हम लोग शाम में भी यही खाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं नाश्ता कर रही हूँ और उसके बाद जो वो हसन को भी ज़्यादा भूख लग रही है और उसका था कि मम्मा मुझे जल्दी से जो है ना वो निवाला दे दें, तो अभी हम लोग करेंगे नाश्ता और उसके बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और मैंने आप लोगों को आज कहा था ना कि आज हम लोग यही वाला खाना जो है ना वो यूज़ करेंगे, तो अभी रात हो गई है और हस्बैंड वापस आ चुके हैं शॉप से और अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं रात का, जिसको बोलते हैं डिनर। हाँ, हम लोग डिनर करने लगे हैं और डिनर में वही हमारे पास है आज कल का जो बना हुआ था करेले गोश्त और साथ मैंने चपाती बना ली है और अभी हम डिनर करेंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे अंकल जी की तरफ। और मौसम आज काफ़ी अच्छा है, बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और मज़ा आएगा आज खूब बाहर घूमने का। अच्छा जी, हसन साहब आए हैं अपना सिरिलैक लेने के लिए बाबा के साथ और साथ में जो है वो बर्गर लेने के लिए। जंक फूड इसको इतना पसंद है, मैं तो खुद हैरान हूँ कि कैसे पसंद हो गया इसको। मतलब मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, हम लोग खाना खाते हैं, होटलिंग वगैरह करते हैं, जंक फूड हम इतना ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन इसके सामने आप नाम ले लें पिज्ज़ा या बर्गर का तो इसके मुँह में पानी आ जाता है। ये देखिए इतने तस्वीर लग ले के, मामा को दे दो, मामा को दे दो। थैंक यू, थैंक यू बेटा, आ जाओ चलो आप बर्गर लेके आओ अपना। हाँ, हम बर्गर लेके आए, बर्गर लेके आए। अपना बर्गर लेने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हज़ारों दुआओं मोहब्बतों चाहतों और खुशियों के लाजवाल खजानों के साथ। आप सबको एक नया दिन मुबारक हो, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में इस तरह के बेशुमार खुशियों भरे दिन और पुरसकून रातें नसीब फरमाए, आमीन सुमीन। सुबह के 11 बज गए और ना कल ऐसा हुआ था कि मैंने ना दोपहर मतलब मैंने असर के बाद खाना खाया था ना, तो रात में मुझे भूख नहीं लगी, मैंने नहीं खाना खाया। अब जब सुबह हुई है तो इस कदर भूख लग रही है ना शिद्दत वाली, और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या खाऊं क्या खाऊं। पहले मैंने सोचा ऑमलेट बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा ठीक चलो मेरा दिल चाह रहा है मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। तो आज फिर मैंने बताया क्या, सुबह से ये आलू का मिक्सर भी तैयार किया और मैं पराठे बनाने जा रही हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ पराठों के साथ। फिर बाकी की रूटीन शेयर करूँगी, दिन भर मैंने क्या करना है, बहुत सारे काम है मुझे। तो आगे चलिए और देखते जाइए, कुछ नया भी होने वाला है हमारी व्लॉग्स में, सो स्टे ट्यून्ड। तो
मैंने ना एक होटल में देखा था पराठे बनाने का एक नया तरीका, मैं आपको भी बताती हूँ। पहले रोटी को ऐसे बेल लिया गोल फुल, ठीक है, आगे बताती हूँ आपको। एक साइड पर मैंने आलू का मिक्सचर रख दिया, थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी लगा दिया। अभी मैं इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, यहाँ से ना मैं इसको ऐसे ऊपर फोल्ड कर दूंगी, ठीक है। चलें करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, फिश बना दिया मैंने, अब इसको तवे पे डालती हूँ। और ये देखिए क्या पराठा बना है। फिश का मुँह थोड़ा ज़्यादा खुल गया और ख़राब हो गया वैसे। चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे के साथ फिश जो मेरी अच्छी हो जाएगी। यहाँ तो सही फिश का फेस लग रहा है ना, हालांकि फेस मैंने वो बनाया था, मतलब फेस नहीं मोर। अच्छा, तो अभी वैसे हमारा जो है वो मज़ेदार किस्म का पराठा हो गया है तैयार। मैं हस्बैंड को दे के आती हूँ, फिर मैं जो है वो बाकी के पराठे बनाती हूँ। चलो जी, मैं उनको दे के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। एक मैंने बनाया है फिश वाला पराठा, एक मैंने बनाया है राउंड पराठा, और दूसरा पराठा जो है ना वो बनाएंगे हस्बैंड। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ सही कैसे बनाते हैं। मैंने कहा चलिए आप बना लें, जो इनाम मिलना है वो आप ही लें। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, आपको ये तो मानना पड़ेगा कि मैं पराठे बनाने में तो माहिर हूँ। मेरे पराठे बहुत किसी टाइम में ना पसंद किए जाते थे, बल्कि अभी मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आपके पराठे में बड़े पसंद है, मैंने पराठे बनाने छोड़ दिए हैं। ठीक पकड़ लो, इसमें रख लेते हैं। चलो पीछे जो बेटा, घी का टिपका ना गिर जाए आपके ऊपर, पीछे जो मेरी जान। ये एक हमारी फिश है और ये है हमारा राउंड पराठा। ये बना रहे हैं हस्बैंड साहब। अच्छा जी, अब इसको बस ऊपर डाल देना है। हाँ, प्रेस करना। थोड़ा सा प्रेस करो दी, हवा ये जो बबल्स हैं ये निकल जाएंगे। बेटा जानी पीछे हो, जो हंसनी पीछे हो। देखिए क्यों उतार लेता है। हस्बैंड का पराठा तो इतना कोई मोटा पराठा बना था, यकीन करें खाना ही नहीं, खाने के काबिल ही नहीं था। लेकिन चलें कोई नहीं, उनके दिल को बहलाने के लिए कह देते हैं कि जी बड़ा अच्छा बना है। शाम में हम लोग बाहर जा रहे थे और ये बहुत ज़्यादा तंग करता मुझे गाड़ी में, फिर मैं इसको पोइम्स वगैरह लगा कर दे देती हूँ कि बेटा आप ये देखो, ताकि थोड़ा सा ये मसरूफ़ हो जाए और इसका ध्यान जो ना वो बढ़ जाए। आज का एक छोटा सा व्लॉग था, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।